हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी बाबू में। फ्रेंड, रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी वाले कैंडिडेट्स के लिए बड़ी ऑफिशियल अपडेट जारी कर दी गई है। काफ़ी लंबे समय से कैंडिडेट यहां से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो छात्रों के लिए खुशखबरी है जो उनसे फाइनली बड़ी ऑफिशियल अपडेट जो है वो जारी कर दी गई है। वेटिंग वालों को यहाँ से मौका दिया जाएगा, कैंडिडेटचर जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। एबसेंट 35 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डीवी में एबसेंट रहे हैं, जिनकी लिस्ट को जारी कर दिया गया है। लास्ट चांस दिया गया है, इसके बाद में इनका फाइनली कैंडिडेचर कैंसिल करके वेटिंग वालों को यहां से मौका दिया जाएगा। तो ये अंतिम मौका है डीवी और मेडिकल में पहुंचकर अपना सिलेक्शन करवाने का, इसके बाद में रेलवे की तरफ से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारी ऑफिशियल अपडेट एक एक करके हम देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको रेलवे भर्ती की पल पल की ऑफिशियल अपडेट मिलती रहे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं आरआरसी रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है। यहीं से कैंडिडेट काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रही है, तो फाइनली यहाँ से जो अपडेट है वो आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे रिक्वायरमेंट अंडर आरआरबी सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन नंबर सीए नंबर 02/2018 फॉर लेवल वन पोस्ट के लिए क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिस फॉर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एसएनटीज ऑफ सेकंड स्टेज डीवी के लिए। यहां से फाइनली जो है आपकी अपडेट जो है वो आ चुकी है। क्या अपडेट है, कितने कैंडिडेट्स का एबसेंट लिस्ट जारी की गई है, यह सारी ऑफिशियल अपडेट मैं नोटिस के माध्यम से आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट हु कुड नॉट अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेल्ड 20/7/2021 to 22/7/2021। यहां से सेकंड डीवी का जो शेड्यूल था वो जारी किया गया था, और वो काफ़ी पहले समय में जारी कर दिया गया था, लेकिन कोविड की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इसकी दोबारा डेट आई थी, जिसमें 20/7/2021 से लेकर 22/7/2021 तक आपका सेकेंड डीवी का जो स्टेज सेकेंड डीवी की स्टेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होना था, लेकिन ड्यू टू जेन्युइन रीज़न कैन अटेंड सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अलोंग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर देयर एब्सेंस ऑन द शेड्यूल डेट मेंशन अगेंस्ट देयर रजिस्ट्रेशन एंड रोल नंबर। यहाँ से कैंडिडेट जो है वो 35 कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इनको अंतिम मौका दिया गया है, इसके बाद में इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। इनको सेकेंड सप्लीमेंट्री चांस दिया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के अपना सिलेक्शन पाने का। तो यहाँ पे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और इनकी जो डेट है डीवी की वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। तो सभी कैंडिडेट अपनी डिटेल को यहाँ से मेंशन कर लेंगे और देख लेंगे किस तारीख में आपका कब कब आपका यहाँ से डीवी की जो डेट है वो रख दी गई है। तो यहाँ से टोटल 35 कैंडिडेट हैं जिनका जो है सिलेक्शन फाइनली कैंसिल नहीं किया गया है। अगर ये लोग 6 तारीख को नहीं पहुँचते हैं तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ से जो वेटिंग वाले जो छात्र हैं कैंडिडेट, वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से अपना वेटिंग वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 35 सीट्स यहाँ से वैकेंट्स होने वाली हैं। अगर 35 भी नहीं होती हैं, क्योंकि जिस कैंडिडेट्स को पहुंचना था वो पहुंच जाएगा, बट ये कैंडिडेट वो हैं जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया है या किसी और में आपका नाम आ गया है, किसी एसएससी में या एएलपी में वेटिंग क्लियर हो गई हो या जो भी रहा हो वहाँ पे इनका नाम आ गया है। तो ये कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट हैं जो नहीं पहुँच पाए हैं। तो देखते हैं यहाँ से कितनी वेटिंग क्लियर हो बनेगी। लेकिन बड़ी ऑफिशियल अपडेट है, 35 सीट्स यहाँ से सेकंड डीवी में ही खाली हो गई हैं। आपका जो डीवी की डेट है सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो 5/8 से लेकर 6/8 तक चलने वाली है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 9 बजे है। और कहाँ पर पहुँचना है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ग्राउंड फ्लोर चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर कन्वर्जन बिल्डिंग पीडी मेलो रोड वादी वंडर नियर सैंडहर्ट्स रोड रेलवे स्टेशन हरबोर लाइन मुंबई। ये आपका वेन्यू है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो आपको 5/8/2021 से 6/8/2021 तक चलने वाला है। टाइमिंग यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, कैंडिडेट अटेंड सप्लीमेंट डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन एज पर अबव अलॉटेड डेट आर एडवाइज डाउनलोड द कलेक्टर फॉलो इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली। यानी आप जो कैंडिडेट ये जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पहुँचेंगे, इनका
जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है उसमें डाउनलोड कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है आपको, और उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। सभी इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के जाना है और सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। नो फर्दर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल हेल्ड फाइव एट चेयर एंड नो रिक्वेस्ट विल बी इंटरटेन, यानी इसके बाद में कोई भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा और ये लास्ट मौका है, अंतिम मौका है, इसके बाद में आपको कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट में हैव टू स्टे फॉर 2 से 3 डेज फॉर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी आपको 2 से 3 दिन की व्यवस्था जो है वो करके जानी है, क्योंकि आपका जो DV है वो होगा, उसके बाद में ही आपका मेडिकल हो सकता है। तो आपको 2 से 3 दिन की रुकने की व्यवस्था जो है वो करके जानी है। देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, यानी जो भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिट कार्ड पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन सभी को फॉलो अच्छी तरह पढ़ लेंगे, अच्छी तरह फॉलो अप कर लेंगे, तभी आप लोग यहाँ पे पहुँचिएगा कि पहुँचना है आपको और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो फाइनली वेटिंग वालों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ कि अगर ये कैंडिडेट्स नहीं पहुँचते हैं तो आपका 6 यानी 5 तारीख से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, 6 तारीख के बाद में आप 15 दिन का वेट और कर लीजिए, क्योंकि 15 दिन के बाद में नई DV की लिस्ट जो है वो यहाँ से जारी कर दी जाएगी। 3rd DV की जो लिस्ट है वो यहाँ से जारी कर दी जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कराया जाएगा। वेटिंग वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ से अंतिम उनको यहाँ से मौका दिया जाएगा जो वेटिंग में कैंडिडेट यहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की अपडेट जो कि मुंबई से सेंट्रल रेलवे वाले कैंडिडेट्स के लिए आ रही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन क्वारी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।